हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। आप सबों को ईद की मुबारकबाद, शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। जान जहान और हिंदुस्तान की पहचान के लिए मुस्लिमों ने ईद की नमाज अदा की घरों में। दुआ कोरोना से कोहराम से मुक्ति की उम्मीद। अगले ईद में मस्जिद में हो नमाज। स्वस्थ रहें तभी इफ्तार से पूर्व आए अजान की आवाज। गम नहीं मस्जिद से जुदा होने का, आभास घर में खुदा होने का। कोरोना का ग्राफ 50 के पार, स्वस्थ होने वाले की संख्या 16। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले पदाधिकारियों की भी हुई जांच। प्रथम जांच में आए सभी निगेटिव, लेकिन सतर्कता जरूरी। और लॉकडाउन की त्रासदी से मीडिया की सुर्खियों में आए सिंहवाड़ा का सिरहुल्ली और बेनीपुर का मकरमपुर, जहां विधायक और विधान पार्षद ने जाकर ली सूद। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। अपनी और आपकी जान जहान और हिंदुस्तान की पहचान के लिए मुस्लिमों ने ईद की नमाज अदा की अपने घरों में। मस्जिदों में और ईदगाहों में अधिकतम 5 लोग ही नमाज अदा करते देखे गए। सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया और अपना हिंदुस्तान को गौरवान्वित कर इसमें सबसे मुख्य भूमिका अदा की। लगातार एक सप्ताह से मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, विभिन्न राजनीतिक पार्टी के लोगों ने, जिन्होंने समझाया कि जान है तो जहान है और यही हिंदुस्तान की पहचान है। जुमे की अलविदा नमाज के समय भी इस तरह लोगों ने 5 लोगों के साथ ही मस्जिदों में नमाज अदा की। ईद की नमाज सुबह 7 बजे से शुरू हुई। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था पूरी थी, लेकिन कहीं पर भी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। प्रशासन अपना काम करता रहा और लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन कर नहाने धोने के बाद अपने घरों में ईद की नमाज अदा की। गम नहीं मस्जिद से जुदा होने का, आभास है अपने घर में खुदा होने का। जी हां, लॉकडाउन के बीच ईद की नमाज घरों में। जान है तो जहान है और यही असली हिंदुस्तान है, इसकी पहचान बताते हुए मुस्लिम ने ईद की नमाज अदा की, सोशल डिस्टेंस का पालन किया। ईदगाह और मस्जिद में अधिकतम 5 लोग ही नमाज अदा करते देखे गए और सुबह नहाने धोने के बाद सभी ने अपने घर में सोशल डिस्टेंस का पालन कर ईद की नमाज अदा की। हिंदुस्तान लॉकडाउन है और इसमें पूरा योगदान देना है, ये आह्वान है मुसलमानों का। और इसमें मुख्य भूमिका अदा की लगातार धर्मगुरुओं ने, जिन्होंने आह्वान किया था, लोगों को मानसिक रूप से तैयार किया, हवाला दिया कि मक्का में कर्फ्यू लगा है और जान है तो जहान है और अपना हिंदुस्तान है, और इसी के तहत इस बार ईद की नमाज अपने घरों में अदा करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और उम्मीद करें कि अगले वर्ष मस्जिदों में होगी ईद की नमाज और हम स्वस्थ रहें तभी इफ्तार से पूर्व सुने अजान की आवाज़। और इस आह्वान के साथ लगातार पूरे रोजे के दरमियान सोशल डिस्टेंस बनाकर मस्जिदों में इमाम और मुअज्जिन ने ही
नमाज अदा की। अधिकतम 5 लोग ही गए और सभी ने इफ्तार भी अपने घर पर ही किया। हिंदुस्तान की परीक्षा और उसमें लगातार योगदान देते ये रोजेदार, जिन्होंने एक माह का रोजा रखकर, जो चाहे वह पहला जुमा हो रमजान का या अलविदा का जुमा, बखूबी इन्होंने नियम का पालन किया और ईद में भी ये देखने को मिला। हालांकि प्रशासनिक गाड़ियां दौड़ती रही, आह्वान होता रहा, लेकिन लगातार इसमें मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मुख्य भूमिका अदा किया। विभिन्न राजनीतिक पार्टी के लोगों ने एकजुटता दिखाकर पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को तैयार किया और यह देखने को मिला दरभंगा में भी ईद की नमाज अदा करते वक्त, जहां जिन्हें जो जगह मिला अपने हद में, अपने घरों में रहकर, अपने अहाते में इन्होंने नमाज अदा की। दरभंगा टावर पूरा शांत रहा, मस्जिदों में ताले लगे रहे, कई जगह तो 5, कई जगह 2 लोग ही नमाज अदा करते देखे गए, जबकि ईद की नमाज में ईदगाह से लेकर सड़क तक में लोग लगातार बैठते थे, हजारों की भीड़ होती थी, प्रशासनिक तैयारियां होती थी, लेकिन इस बार सूना सूना रहा पूरा दरभंगा टावर, लहरियासराय टावर, और हर जगह लोगों ने दुआ की कोरोना के कोहराम से बचने के लिए, दुआ ईद की नमाज में, ताकि अगली ईद की नमाज में खुशी खुशी मस्जिदों में, ईदगाहों में नमाज अदा कर सके। नन्ही सी हसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन साजा में बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ, तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। मुस्लिमों ने अदा की 5 लोगों के साथ मस्जिदों में ईद की नमाज, तो घरों में अधिकतर लोगों ने अदा किया नमाज। गम नहीं मस्जिदों से जुदा होने का, आभास रहा घर में खुदा होने का। पूरे लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस का पालन, पूरे रमजान में इसका पालन, और जुमे की पहली नमाज हो रमजान के दौरान या अलविदा की नमाज,
अधिकतम 5 लोग ही मस्जिद में दिखे और इसका पूर्णतः पालन करते देखे गए। जान है तो जहान है और यही हमारा हिंदुस्तान है। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच ईद का त्योहार मनाया गया। सादा और सिंपल हर्षोल्लास के बीच लोगों ने थोड़ा गम लेकिन थोड़ी उम्मीद थोड़ी खुशी सोशल डिस्टेंस का संदेश आमजनों को दिया और अधिकतर सोशल मीडिया के माध्यम से या दूर से ही दुआ सलाम खुद भी नियमों के अंदर रहकर लोगों ने ईद मनाई। न गले मिलना है न नजदीक आना है, नजदीक रहना है तो दूरियां दिखानी है। ईद जैसे त्योहार में भी एक दूसरे को गला लगाने की चाहत, लेकिन दिल से लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए ही एक दूसरे को ईद का मुबारकबाद दिया कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें तो अगली ईद बहुत अच्छे से होगी और गले मिलेंगे। नजदीकियां हैं तो दूरी रखनी होगी। कोरोना वायरस को हराना है, कोरोना के कोहराम से बचना है तो इसमें एकजुटता दिखानी है। हिंदुस्तान को बचाना है, दुनिया को बचाना है, जान बचानी है, जहान को बचाना है। और इसी के तहत ईद की एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ थोड़ा गम, लेकिन एक उम्मीद कि अगर हम इस महामारी पर विजयी पा लें, जंग जीत लें तो अगली ईद बहुत अच्छे से मनेगी और ईदगाह से लेकर मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे। फिलहाल वक्त है कि एक दूसरे को मुबारकबाद दें, लेकिन दूरियां रखकर नज़दीकियों का एहसास करें। सोशल मीडिया पर ही एक दूसरे को ईद का मुबारकबाद, और अगर मिल भी गए तो दुआ सलाम करते हुए एक दूसरे के स्वस्थ होने की कामना, कोरोना के कोहराम से बचने की उम्मीद। ईद की नमाज में भी यही दुआ की गई। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। जान जहान और हिंदुस्तान की पहचान के लिए मुस्लिमों ने ईद की नमाज अदा की घरों में। दुआ कोरोना से कोहराम से मुक्ति की उम्मीद। अगले ईद में मस्जिद में हो नमाज, स्वस्थ रहें तभी इफ्तार से पूर्व आए अजान की आवाज। गम नहीं मस्जिद से जुदा होने का, आभास घर में खुदा होने का। कोरोना का ग्राफ 50 के पार, स्वस्थ होने वाले की संख्या 16। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले पदाधिकारियों की भी हुई जांच। प्रथम जांच में आए सभी निगेटिव, लेकिन सतर्कता जरूरी। और लॉकडाउन की त्रासदी से मीडिया की सुर्खियों में आए सिंहवाड़ा का सिरहुल्ली और बेनीपुर का मकरमपुर, जहां विधायक और विधान पार्षद ने जाकर ली सूद। बात करते हैं कोरोना की। कोरोना का ग्राफ 49 से बढ़कर 52 हो गया है। जी हां,
सोमवार को 3 कोरोना पॉजिटिव निकले। ये तीनों दरभंगा सदर प्रखंड के हैं, तीनों क्वारंटीन सेंटर में हैं, जो जिस सेंटर से दरभंगा सदर के पहले मरीज मिले थे वहीं ये तीनों बाहर से आए थे और क्वारंटीन सेंटर में थे। प्रवासी मजदूरों की क्वारंटीन सेंटर में ठहरे हुए हैं, उनका रैंडम सैंपल जांच चल रहा है। ऐसे में मरीजों का बढ़ना स्वाभाविक है। डीएमसीएच में जांच करने पर पता चलता है कि क्वारंटीन में रह रहे कौन प्रवासी पॉजिटिव हैं और कौन निगेटिव। हालांकि इस इलाके को सील नहीं किया जाना है। जिस कमरे में क्वारंटीन सेंटर में पॉजिटिव मरीज पाए जाते हैं वहां उनके संपर्क वाले और उनका हिस्ट्री बताकर उनके संपर्की की जांच पुनः की जाती है। कोरोना ग्राफ दरभंगा का सोमवार को भागा 49 से बढ़कर सुबह 3 दरभंगा सदर प्रखंड के जो कोरोना संक्रमित पाए गए और इनकी संख्या बढ़ी देर शाम। हालांकि विधिवत सूचना नहीं है लेकिन अपुष्ट सूचना के अनुसार इनकी संख्या में 12 और संक्रमित मरीज की संख्या बढ़ गई है, जिसमें 11 कुशेश्वर स्थान के और एक बहादुरपुर की बताई जा रही है। ये हालांकि अपुष्ट खबरें विधिवत खबर नहीं लेकिन 52 से छलांग लगाता हुआ और अंततः 64 की संख्या पर पहुंचने की सूचना प्राप्त हुई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो रही है लेकिन हम आपको बता दें कि कोरोना का ग्राफ बढ़ा है। हालांकि ठीक होने वाले की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। कुल 16 मरीज, पहले 8 स्वस्थ होकर घर लौट चुके थे और सोमवार को यहां थोड़ी राहत मिली, 8 और निगेटिव होकर घर भेज दिए गए, तो 16 संख्या हो गई है स्वस्थ होने की। विधिवत 52 की संख्या है और देर शाम जो अपुष्ट सूचना है इसकी पुष्टि नहीं हुई उसके अनुसार 12 और मरीज बढ़ने की सूचना है, जिसमें 11 कुशेश्वर स्थान क्वारंटाइन सेंटर के और एक बहादुरपुर प्रखंड के हैं। तो इस तरह 64 दरभंगा में मरीज की संख्या और 2600 से पार है पूरे बिहार की संख्या और एक भयावह तस्वीर आ रही है। अभी जांच सिर्फ क्वारंटीन सेंटर की हो रही है तो ऐसी तस्वीर है। ऐसे में सतर्कता, जागरूकता, यही सबसे बड़ा हथियार कोरोना को हराने के लिए। पुनः आपको बता दें कि विधिवत 3 मरीज सुबह में दरभंगा सदर प्रखंड के, सूचना के अनुसार एक रानीपुर पंचायत और एक 2 अन्य गांव जो कबड़ीचक के आसपास का बताया जा रहा है। नाम नहीं बताना है और कोई पहचान नहीं बताना है कोरोना मरीज के संबंध में। इस आधार पर हम आपको बताते हुए 3 दरभंगा सदर प्रखंड के जिन्हें कोरोना वार्ड भेज दिया गया और देर शाम 12 अन्य और मरीज की हालांकि पुष्टि नहीं हुई है। पुनः हम आपको बता दें ये 11 प्रवासी हैं क्वारंटीन सेंटर कुशेश्वर स्थान के और एक बहादुरपुर प्रखंड, ये सभी क्वारंटीन सेंटर के हैं। कोई इलाका सील किए जाने की सूचना नहीं है, न जरूरत है। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद के दरमियान कई वरीय पदाधिकारी पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए थे। पता तब चला जब इसकी जांच रिपोर्ट आई। दरभंगा सदर के जो एक पॉजिटिव मरीज है उसके संपर्क में जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक सहित कई लोग नजदीक गए थे और इससे एहतियात के तौर पर सूत्र बताते हैं कि इनकी भी जांच की गई। दूसरी ओर दरभंगा नगर के जो प्रवासी जिला स्कूल में थे वहां नगर आयुक्त सहित कई निगम कर्मी भी उनके नजदीक गए थे और पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इनकी भी जांच किए जाने की सूचना है। हालांकि सूत्र के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि सभी जो पदाधिकारी हैं, वरीय पदाधिकारी चाहे निगम के हों या जिला के, वे सभी निगेटिव हैं। इन लोगों ने काफी एहतियात बरता था और दूरी बनाकर मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन किया था और अंततः इनके किसी के भी पॉजिटिव नहीं मिलने की सूचना। और दूसरी ओर 3 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 2 क्वारंटाइन सेंटर पर अलग अलग 2 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिले के वरीय पदाधिकारी, नगर निगम के पदाधिकारियों ने भी अपना टेस्ट करवाया और जो प्रथम जांच की सूचना है उसके अनुसार राहत वाली खबर, इन लोगों का टेस्ट निगेटिव आया है। हालांकि ये 4 दिन के बाद डेवलप करता है लेकिन सूत्र बताते हैं कि काफी सुरक्षा और एहतियात व्यवस्था के तहत इन्होंने ऐसा किया था और इसी के कारण ये निगेटिव होने की खबर है।
जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, नगर आयुक्त घनश्याम मीना, नगर अभियंता सहित कई तकनीकी जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां जो नजदीक रहे थे और वो उस समय जो जिसका टेस्ट लिया गया था संक्रमित मरीज बाद में निकला उसके नजदीक आए थे, एहतियात के तौर पर इन्होंने अपनी जांच कराई और प्रथम जांच में यह निगेटिव आया है, ये सूचना और एक राहत बड़ी खबर जिला के लिए। 2 माह से लगातार जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं उनकी टीम लगातार प्रवासी मजदूर और कोरोना के कोहराम को कम करने के लिए काम कर रहे हैं और उसी के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां जो प्रवासी हैं उनकी देखरेख किस तरह से रह रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और इसी के तहत विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर पर अलग अलग पदाधिकारी नियुक्त थे, जिसमें दरभंगा सदर के DPS पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, सहायक समाहर्ता एवं अन्य थे, तो दूसरी ओर दरभंगा शहर के जिला स्कूल क्वारंटाइन सेंटर पर नगर आयुक्त घनश्याम मीना, उपनगर आयुक्त कमलनाथ झा, नगर अभियंता रतन किशोर वर्मा एवं अन्य सहायक मौजूद थे और इसी के तहत जब एक दिन के बाद दोनों सेंटर से पॉजिटिव मरीज मिलने की पुष्टि हुई तो उसके बाद हड़कंप मचा और उसके नजदीक आने वाले लोग सशंकित थे। इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग ने इन लोगों की जांच कराई, सूत्र के अनुसार इन लोगों का रिपोर्ट निगेटिव आया है और पुनः इनकी जांच की जाएगी अलग बात है। बहरहाल एक दरभंगा के लिए और इन अधिकारियों के लिए राहत बड़ी खबर, क्योंकि पूरा राहत कार्य इन लोगों के जिम्मे है अभी, ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका से लोग सहमे हुए थे। बहरहाल ये सभी लोग स्वस्थ हैं, कहीं से कोई कोरोना का लक्षण नहीं दिख रहा है, ये एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर। जिला प्रशासन के लोग, जिला पदाधिकारी सहित उनकी टीम निगेटिव पाए गए हैं, यह सूचना है। 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर हरियाणा से साइकिल पर बैठाकर अपने पिता को दरभंगा लाने वाली ज्योति की सर्वत्र सराहना हो रही है और विभिन्न राजनीतिक पार्टी के लोग, स्वयंसेवी संस्था के लोग, पदाधिकारी वहां पहुंचकर उसे हौसला, सांत्वना और पुरस्कार दे रहे हैं और यह सिलसिला लगातार चल रहा है। हर रास्ता जा रहा है उसकी गांव की ओर, उसने अपने गांव का नाम रोशन किया है। पुराने साइकिल पर अपने बीमार पिता को लेकर आना वाकई काबिले तारीफ है। इसी के तहत आर्थिक सहायता के रूप में कई लोग आए और मोमेंटो के साथ जिम्मेवारी ली। SND विजन सिविल सर्विस सेंटर फाउंडेशन की ओर से एक पुरस्कार भी दिया गया और पूरे पढ़ाई की जिम्मेवारी से संबंधित पत्र भी सौंपा गया। पूरे लॉकडाउन में 2 महीना के दरमियान कई दर्दनाक तस्वीरें आई और मिथिलांचल से एक नाता जुड़ा इस सिरहुल्ली गांव का भी। एक 15 वर्षीय बच्ची अपने बीमार पिता को साइकिल पर, और वह भी पुराने साइकिल पर लेकर उसने हिम्मत किया अपने गांव आने का और चल दी बिना किसी सोचे समझे कि उसे पहुंचना है, मंजिल पाना है। मंजिल पर पहुंच गई और 1 सप्ताह अथक प्रयास के बाद, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वह वाकई ऐसा सफर तय कर रही है जहां से वे अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां में आएगी। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और मीडिया ने भी अपना फर्ज निभाया। जब मीडिया में यह पहले सुर्खियों में आई तो लोगों ने सोचा कि यह जो आए दिन हर पन्ने पर खबर छपती है, टीवी में संक्षिप्त खबरें आती है, उसी तरह की ये खबरें हैं। इस गांव के रहने वाले निर्भय भारद्वाज ने मीडिया को यह सूचना दी प्रथम दृष्टया में और दैनिक भास्कर में यह खबर छपी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में News18, ETV और G News, आज तक या ABP News, सभी ने इसको प्रमुखता से निकाला और धीरे धीरे यह सुर्खियों में आता चला गया। 3 से 4 दिन के बाद BBC ने जब इसे कैच किया और उसने विस्तार से दिखाया तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुत्री इवाका ट्रंप ने ट्वीट करके भारत में रिश्तों की दुहाई दी और कहा कि ऐसा भारतीय लड़की ही कर सकती है, और यह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में बना रहा।
अब हर रास्ता सिरहुल्ली गांव की ओर है। लगातार राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोग पहुंच रहे हैं और ज्योति को सांत्वना के साथ पुरस्कार देने की होड़ लगी है। सबसे पहले प्रभात दास फाउंडेशन के मुकेश झा ने पहुंचकर इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर सदर एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता भी वहां पहुंचे और शिक्षा विभाग ने भी वहां जाकर साइकिल, ड्रेस इत्यादि, किताब इत्यादि जाकर नौवीं में उसका नामांकन करवाया। एसएसबी की टीम भी पहुंची, डाक विभाग की टीम भी पहुंची, सिविल सर्विसेज विजन हो या फिर मारवाड़ी समाज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सभी का रास्ता इस सिरहुल्ली गांव की ओर। मारवाड़ी समाज ने दो दिन पहले एक साइकिल ला करके दिया। नगर विधायक संजय सरावगी ने घोषणा की कि वह स्पीड वाली साइकिल देंगे और ऑल इंडिया साइकिल फेडरेशन ने कहा कि अगर वह नियमित रूप से इसका प्रशिक्षण लेना चाहती है तो वह आए। एक महीना का वक्त लिया है ज्योति ने और ज्योति की गाड़ी साइकिल हो सकता है कि अब सिरहुल्ली की बजाय दिल्ली की सड़कों पर दौड़े और वह साइकिल रेस के लिए प्रतिस्पर्धा की क्षमता रखती हो। हालांकि ज्योति ने एक माह का समय लिया है। मीडिया ने अपना काम कर दिया, ज्योति एक मानक बनी, लेकिन कई ज्योति को इसने राह दिखा दिया कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक तबीयत तो पत्थर से उछालो यारो। ज्योति ने सोचा नहीं था कि वह साइकिल लेकर, पुरानी साइकिल लेकर निकली है और यह वाकई में उसके पंख लगेंगे, यही उसकी तरक्की की राह होगी, यही उसके तरक्की के रास्ते होंगे। लॉकडाउन में भले ही विपत्ति हो लेकिन ये अवसर बना देता है। ज्योति के लिए यह विपत्ति अवसर बनकर आया। 26 जनवरी को उसके पिता जो ई रिक्शा चलाते थे घायल हो गए थे, उसे देखने उसकी पत्नी अपनी बेटी ज्योति के साथ गुड़गांव गई थी, लेकिन यहाँ काम काज में देरी के कारण वह पत्नी वहां से तो चली आई, ज्योति अपने पिता की देखरेख कर रही थी। लॉकडाउन एक, लॉकडाउन दो में तो किसी तरह वह गुजार रही थी, लेकिन लॉकडाउन तीन में जब पैसे की किल्लत हुई तो उसने सोचा कि अब गांव जाना ही है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1,000 रुपया मिला और उसी 1,000 रुपया से उसने साइकिल खरीदी। साइकिल उसकी बड़ी बहन को पहले भी मिली थी जिससे वह साइकिल सीख चुकी थी और यही काम आया। उसने गुड़गांव से साइकिल पकड़ी, कभी किसी के सहारे, किसी की मदद से, और अंततः एक सप्ताह में अपने गांव सिरहुल्ली पहुंच गई। बीच में उसे कई मदद भी मिला, ऐसी मदद जिसकी कल्पना उसने नहीं की थी, और कहीं लोग खाना खिलाते गए, कई जगह लोगों ने उसे सहारा भी दिया, कई जगह ट्रक इत्यादि में बैठा कर आगे भी पहुंचाया। वाकई जितनी भी सराहना की जाए कम है। मददगार भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि रास्ते में कोई मदद नहीं करता। ज्योति का हौसला बढ़ाने के लिए काफी था और अंततः एक सप्ताह में उसने तय कर लिया गुड़गांव से अपने गांव का सफर और ये इस गांव की ओर हर रास्ता जा रहा है। जाप पार्टी के मुन्ना खान ने 20,000 रुपया देकर पप्पू यादव के निर्देश पर से किया। उसके बाद चिराग पासवान या फिर रविशंकर प्रसाद या महेश्वर हजारी, इन लोगों ने अलग राशि देने की घोषणा की है। संजय सरावगी नगर विधायक पहले दिन गिफ्ट लेकर पहुंचे, उसके बाद रेसिंग साइकिल भी दिला दी। मारवाड़ी समाज ने भी एक साइकिल दिला दी, शिक्षा विभाग ने भी साइकिल दिया। ज्योति के पास अब साइकिल की भरमार है। और इसके अलावा मंत्री मदन सहनी भी सोमवार को पहुंचे सरकारी तंत्र के साथ और आश्वासन दिया, कहा कि अब सरकार भी ज्योति के लिए आगे सोचेगी। बहरहाल ज्योति ने अपने परिवार के साथ साथ गांव के अन्य बच्चियों को भी राह दिखाया है कि हिम्मत हो तो सब कुछ हो सकता है। और ऐसी परिस्थिति में ज्योति एक आइकॉन बनी, कई विभाग उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाने की तैयारी कर रहा है। पिपली लाइव की तरह ज्योति की किस्मत, ज्योति के गाँव की किस्मत चमकने की संभावना है। लॉकडाउन ने यह बता दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये दावे कि लॉकडाउन ने बहुत कुछ हमें सिखाया है, कहीं वह आफत लेकर आया तो कहीं अवसर भी लेकर आया, कहीं उसने राह भी दिखाया।
ज्योति की हिम्मत ने एक राह दिखाया है कि कितने भी मुश्किल कठिन में हो, आप अगर उसमें अवसर ढूंढना चाहें तो रास्ते मिल जाते हैं, और ज्योति ने यह कर दिखाया। मीडिया ने अपना फर्ज निभाया, कई जगह आलोचनाएं भी हो रही है, जलन भी है, लेकिन इन सब से अलग हटकर बिल्कुल अपने लीक पर ज्योति सिर्फ पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, कुछ मांगती नहीं। सरकार के दावे अलग, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक आवाज पहुंचाने का वादा किया है मंत्री मदन सहनी ने, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात कर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से 50,000 रुपया भी भेज दिया है। वाद अब्बाद आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने ढंग से बयान जारी कर रही है, लेकिन इन सब के बीच बयान जो भी हो, ज्योति की सर्वत्र सराहना हो रही है, और मीडिया ने अपना रोल अदा किया, मीडिया ने अपना भूमिका निभाया। जहां चर्चा होगी वहां अपवाद भी होगा, वहां आलोचना भी होगी, लेकिन इन सब के बीच सिरहुल्ली गांव की ज्योति ने अपने गांव का नाम रोशन किया और दिखा दिया कि भारत की बेटी में कितनी हिम्मत और ताकत है। इधर सोमवार को एसएनडी विजन सर्विस सेंटर फाउंडेशन की ओर से आर्थिक सहायता के रूप में 29,000 रुपए का चेक भी दिया गया, साथ ही मोमेंटो के साथ संपूर्ण शिक्षा जिसकी राशि 2,55,000 रुपया आता है, उस संदर्भ में एक आश्वासन पत्र भी फाउंडेशन के निदेशक अजय किशोर ने सौंपा है। और सारी बच्ची हैं आपके गांव में मोहल्ले में, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर ने कहा था कि आप प्रशासनिक सेवा में आइए, मतलब आईएएस में कल होकर डीएमएसपी वगैरह बनिए, तो क्या ऐसी कोई इच्छा है कि कल होकर जो सर योगदान देंगे आपको, कल होकर सर आपको फ्री में पढ़ाएंगे अगर आप ट्वेल्थ करके आती हैं इनके पास, तो क्या ऐसी कोई इच्छा है कि आप आईएएस या प्रशासनिक सेवा? क्या हुआ था, कैसे आप वहां से यहां आई? विजन सिविल सर्विस सेंटर की ओर से जो सम्मान दिया जा रहा है, इसके बारे में अभी सर ने सभी बातें बताई, आप क्या समझी और किस तरह का प्रयास है ये? क्या क्या मिला है आपको पता है? और कितना चेक मिला है? सपनों में भी नहीं सोचा था इतने अच्छे काम करेगा, नहीं लाती तो हम तो मरिया जाते, लेकिन मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस बच्चे पे। आगे इसकी इच्छा जो भी होगा हम कोशिश सहयोग करेंगे पूरे फैमिली इनके साथ, सभी समाज के हर वर्ग के लोगों के द्वारा अपने बच्चे को सहयोग मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत खुश है जो उन लोग भी इस बच्चे को आशीर्वाद दिए हैं, आगे की आशीर्वाद दे जो आगे बढ़ते चली जाए मेरी लड़की। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहन पासवान। मिथिला की श्रवण कुमारी ज्योति कुमारी की जीवटता को एसएनडी विजन सिविल सर्विस सेंटर फाउंडेशन सलाम करता है। उसकी इसी जीवटता को देखते हुए इस फाउंडेशन ने यह निर्णय लिया है कि उसकी सारी शिक्षा की व्यवस्था विजन सिविल सेंटर करेगी, और इसके तहत उसको आर्थिक सहायता भी दी गई है, और शिक्षा से जुड़ी हुई जितनी भी खर्च है लगभग 2,84,000 रुपये का एक चेक के माध्यम से और एक मेमेंटो के माध्यम से, एक प्रशस्ति पत्र के माध्यम से उसको दिया गया है। यह इसलिए दिया गया है कि यह मिथिला के गौरव का प्रतीक है कि इतनी जीवटता, अदम्य साहस दिखाने का काम जिसने किया है वो लाखों हजारों लड़कियों को प्रेरणा देने का काम करेगा। नाम? अजय किशोर। लॉकडाउन के दरमियान मुंबई से या बाहर से आने वाली कई जो कहानियां हैं, कई दर्दनाक तस्वीर है, जिसमें से दो सबसे ज्यादा चर्चा में रही। एक तो सिरहुल्ली गांव जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाई हुई है, दूसरी दर्दनाक तस्वीर रही जिसके इधर कम लोग गए
और अंततः वहां भी सूध ली गई। जी हां, बेनीपुर में एक परिवार अपना ऑटो लेकर आ रहा था बाहर से, जहां उत्तर प्रदेश उन्नाव में दर्दनाक हादसे में दोनों दंपति की मौत हो गई और उसका छोटा सा बच्चा बच गया। ये तस्वीर बेनीपुर की थी, मीडिया में सुर्खियों में ये सही आई, लेकिन अंततः यहाँ कोई निदान नहीं हो पाया, कोई सहायता नहीं मिली। नगर विधायक संजय सरावगी और विधान पार्षद अर्जुन सहनी ने सोमवार को रुख किया उनके गांव का, दिया सांत्वना। कोरोना का कोहराम और लॉकडाउन के बीच मिथिलांचल से जुड़ी दो खबरें काफी सुर्खियों में रही, एक तो सिंहवाड़ा का सिरहुल्ली गांव और दूसरा बेनीपुर का मकरमपुर। यहां के रहने वाले एक ऑटो चालक अशोक चौधरी अपनी पत्नी, गर्भवती पत्नी के साथ एक छोटे बच्चे को उसी ऑटो में लेकर आ रहे थे और उत्तर प्रदेश उन्नाव में गाड़ी लगाकर पेट्रोल लाने गए। बच्चा बगल में पेशाब करने गया और एक बड़े वाहन ने ठोकर मार दी और पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। मीडिया में यह खबर काफी सुर्खियों में आया, कोहराम मचा गांव में और उस अनाथ बालक के माता पिता ने वहीं दम तोड़ दिया। किसी तरह सूचना मिली, वृद्ध पिता रमेश चौधरी लगातार यहां उनके जो ढाढ़स देने वाले हैं लोग आते रहे और किसी तरह लोग यहां से पहुंचे। नगर विधायक संजय सरावगी, विधान पार्षद अर्जुन सहनी आज यहां सूद लेने पहुंचे। विधायक ने कहा कि सहायक श्रम आयुक्त से भी फोन पर सहायता संबंधी तकनीकी दिक्कतों पर उन्होंने चर्चा की कि किस तरह इस बच्चे को जो वाहनात हो गया है उसे सहायता देने का क्या सरकारी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इस विपत्ति की घड़ी में पूरा भाजपा परिवार उनके साथ है, जो भी संभव होगा नाबालिग बच्चे पुत्र को मदद दिलाई जाएगी। दोनों नेताओं ने कहा कि पूर्व मुखिया राम नरेश चौधरी, भाजपा के अवधेश कुमार झा, डॉक्टर रमन कुमार झा, सरपंच सत्यानंद झा, पंचायत समिति मुकुंद झा, भाजपा मंडल अध्यक्ष नटवर झा और राजीव झा, दिनेश चौधरी, मुन्ना झा और सरपंच पीताम्बर चौधरी इत्यादि के साथ बात हुई है और हर संभव परिवार को मदद देने का आश्वासन दिया। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। जान जहान और हिंदुस्तान की पहचान के लिए मुस्लिमों ने ईद की नमाज अदा की घरों में। दुआ, कोरोना से कोहराम से मुक्ति की उम्मीद, अगले ईद में मस्जिद में हो नमाज, स्वस्थ रहें तभी इफ्तार से पूर्व आए अजान की आवाज। गम नहीं मस्जिद से जुदा होने का, आभास घर में खुदा होने का। कोरोना का ग्राफ 50 के पार, स्वस्थ होने वाले की संख्या 16। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले पदाधिकारियों की भी हुई जांच, प्रथम जांच में आए सभी निगेटिव, लेकिन सतर्कता जरूरी। और लॉकडाउन की त्रासदी से मीडिया की सुर्खियों में आए सिंहवाड़ा का सिरहुल्ली और बेनीपुर का मकरमपुर, जहां विधायक और विधान पार्षद ने जाकर ली सूद। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। आप अपना ख्याल जरूर रखें, लॉकडाउन का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। नमस्कार, जय हिंद।